एक ही जमीन को दो लोगों को बेचने के मामले में कोर्ट के फैसले के बाद अधिवक्ता अग्रवाल ब्रदर्स सुयश अग्रवाल और ऋषभ अग्रवाल पीड़ित के लिए सामने आए हैं। उन्होंने इतनी कम उम्र में अपनी सूझबूझ और वकीली समझ से जमीन के धोखाधड़ी मामले में नागपुर कोर्ट से स्टे ऑर्डर हासिल किया, जिससे भूमाफिया की मुसीबतें बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार पीड़ित इतवारी का पहला खरीदार था निर्मण सुपर स्ट्रक्चर दो प्रतिवादी है पार्टनर मुकुंद बबनराव देशमुख के माध्यम से 6 मार्च 2020 को 3.5 करोड़ रुपए में प्लॉट का दूसरा खरीदार था। नतीजतन प्रतिवादी दो ने प्लॉट पर बनाए गए डुप्लेक्स बंगलों को ध्वस्त करना शुरू किया। डांगरे जिन्होंने नागपुर के मौजा स्थित 1259 वर्ग फीट के प्लॉट को बेच दिया था 15 जुलाई 2016 को गुप्ता के साथ 11,33,100 रुपए में बिक्री का समझौता किया था। यह तर्क दिया गया था कि प्रतिवादी एक और दो एक दूसरे के साथ दस्ताने में हाथ थे और उक्त बिक्री विलेख को उनके अधिकार से वंचित करने के लिए निष्पादित किया गया था। न्यायाधीश ने प्रतिवादियों को मुकदमा दायर करने से रोक दिया और कहा कि प्रतिवादियों ने वादाकारियों के पक्ष में 15 जुलाई 2016 को बिक्री के समझौते का उल्लंघन करते हुए सूट भूखंड को अलग करने की कोशिश की। एक्चुअली ये जो विजय डांगरे है इनने प्रॉपर्टी बेची थी अपनी बहुत सारे कंज्यूमर्स को जी 2016 में इन्होंने अग्रीमेंट टू सेल किया था। फिर अग्रीमेंट टू सेल के बाद अभी 2020 में इनने कोई सुपर इंफ्रास्ट्रक्चर को वो प्रॉपर्टी सेल कर दी लॉकडाउन के दौरान। तो वो प्रॉपर्टी पे थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो इसलिए ऑनरेबल कोर्ट ने उस पर स्टे किया है। एक्चुअली जो ये इंटरिम ऑर्डर है जी। ये जो था ये बहुत मुश्किल से बहुत अच्छा ब्रीफ ड्राफ्ट करके ये हमने प्रेजेंट किया था और ऑनरेबल जज को सेटिस्फाई किया था तो फिर हमारी प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ी। वो मजबूत बाजुएं ऐसी थी कि अपनी एक तो एग्रीमेंट टू सेल था अपना, दूसरी बात ऑनरेबल हाईकोर्ट में एक एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल की थी उसने, तो उसने वहाँ पे एक स्टेटमेंट किया था ऑनरेबल हाईकोर्ट के पास कि या तो वो परचेसर के पैसे लौटाएगा या फिर वो सेल डीड करके देगा। तो उसने कुछ भी ना करते हुए तीसरे जन को जाकर भेज दिया। तो जब ऑनरेबल सीनियर सिविल जज सीनियर डिवीजन ने ये बात देखी तो उनको लगा कि हाँ इसने ये सच में गलत किया है। मेरा एडवाइस ऐसा रहेगा कि पहले तो आप आजकल रेरा का नया एक्ट आया है तो पहले आप चेक कीजिए कि रेरा रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, और दूसरी बात अग्रीमेंट टू सेल करने की जगह डायरेक्ट सेल डीड कीजिए। अपने को ऐसा लगता है कि अपने को थोड़े साल बाद पैसे लगेंगे, पर क्या होता है कि हर जन अच्छा नहीं निकलता आखिरी में। तो अपन ने सेल डीड कर दी तो कम से कम अपन तो प्रॉपर्टी के मालिक बन गए ना। एडवोकेट ऋषभ अग्रवाल, एडवोकेट सुयश अग्रवाल। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ दीपिका धनेश्वर की रिपोर्ट, इनबीसी न्यूज़ नागपुर।